हाँ, क्या ये पैसिफायर है? कितना गंदा है, पर बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। ओलिविया, ये मजेदार है। ओह, ये टेस्टी लग रहा है, मैं ट्राई करना चाहूँगी। नहीं, पैसिफायर रख दो। बाल बाल बचे, मैं पैसिफायर को इस बैग में डाल देता हूँ। मैं बाद में ये लैब में एनालाइज करने के लिए दूंगा, बहुत टॉक्सिक होगा। अब मैं काम कर सकता हूँ, तुम ठीक तो हो हनी? मैं अच्छी हूँ डैडी। मुझे ये वाला नहीं चाहिए। ओह, वो वाला अच्छा लग रहा है, तुम मेरे हो। पहले ही सोच लेता, तुम्हें कहाँ था? चलो भी। हो गया, अब साफ कर लेते हैं। कितना सॉफ्ट है। माँ मुझे बिगाड़ रही है, उन्हें पता है मेरी टूशी कितनी नाजुक है। मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता। एकदम साफ हो गई। फ्यू, मेरा काम पूरा हुआ। पर स्मेल बहुत गंदी है, हाथ धो लेता हूँ। फोम ब्लॉक्स की वजह से मैं फॉसेट तक आराम से पहुँच सकता हूँ। मैं अच्छा लग रहा हूँ। ठीक है, तो ये करते हैं। साबुन ले लिया, ये आसान है और मजेदार। वो कहाँ चला गया? खैर, मुझे वो नहीं चाहिए, मेरा तो हो गया। अब मैं टीवी देख सकता हूँ। ये रहा सोप, मैं बाद में उठा लूंगा। क्या दिन है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। वो ये क्या हो रहा है? ये प्लेट्स बहुत गंदी है, मुझे इन्हें चमकाना होगा। अभी ईमेल आ जाएगा। नहीं, मैं अब फिगर्स देख रहा हूँ। वाह, यहाँ तो कहानी पलट गई, दिलचस्प है। रा, रा, गो टीम। ओ, ये ठीक नहीं हुआ। आउच, मेरा सर, बहुत जोर से लगी। ये कैसा मजाक है, डक भी मेरे खिलाफ है। जरा रुको, लगता है मेरे पास एक आइडिया है। ये साबुन रखने के लिए बढ़िया होल्डर बनेगा और फिर फर्श पर फिसलन भी नहीं होगी। तो इंतजार किसका है, तो चलो ये शुरू करें। इस कंटेनर को यहाँ रख देते हैं। अब मुझे लिक्विड सोप की बोतल चाहिए, इससे कंटेनर भर देंगे। ध्यान से, ये गिरना नहीं चाहिए। सफाई पूरी हुई, इसे ऊपर तक भर देंगे। अब इसके ऊपर डक रख देंगे, माइल्स को ये बहुत पसंद आएगा। ये परफेक्ट है। माइल्स, आ जाओ। हे दोस्त, जरा ये देखो। हे डैड, क्या चल रहा है? ये डक देखो। वो, ये कहाँ से आई? ये देखो, मैं अपना हाथ इसकी बीक के नीचे रखता हूँ और फिर साबुन बाहर आएगा। अब मैं अपने हाथ धो सकता हूँ, ये बहुत आसान है। वो, टेक्नोलॉजी कमाल की चीज है। ये साफ हो गए बेटा, मैं ट्राई करूँ? बिल्कुल। वाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो तुम ये कर लो। बहुत जोर से लगी होगी, आपको ध्यान रखना चाहिए ना डैड। मुझे लंबे बाल पसंद नहीं है, बार बार आगे आते हैं। काश मेरे बाल भी तुम्हारे जैसे होते। बहुत गुस्सा आ रहा है। बस भी करो, एक सेकंड रुको, मेरे भी तुम्हारे जैसे बाल हो सकते हैं। मजा आ जाएगा, हम ट्विंस लगेंगे। चलो शुरू करें, मुझे बस कुछ चीजें चाहिए। यही तो मैं ढूंढ रही हूँ। मैं अपने बालों की सारी चीजें इस बॉक्स में रखती हूँ। जितनी जल्दी काम हो जाए उतना बेहतर है। देखते हैं हमें क्या मिला। ये सुंदर है। मैं ये नहीं सोच रही थी। कोई बात नहीं, काम चल रहा है। चलो अलग तरीका आजमाएं। ये भयानक लग रहा है, ये इतना मुश्किल क्यों है? बहुत गलत बात है। चलो ड्राइंग बोर्ड पर वापस चलें। ये टेप काम करेगी, इससे मेरे बाल अपनी जगह पर रहेंगे। लो, हो गया। मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, मैं क्या गलत कर रही हूँ? डैड, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाय प्रिंसेस, क्या हो गया? मैं बस सुंदर दिखना चाहती हूँ। ओह अच्छा, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। हम इन्हें काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, मैं अपनी डॉल जैसी दिखना चाहती हूँ, इसकी तरह। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। सच में? पर मुझे थोड़ी मदद चाहिए इस हैंडी गैजेट से। भरोसा रखो, ये सारी परेशानियों का हल है। जरा देखो, ये सुंदर है ना? मैं इंतजार नहीं कर सकती, मैं ये फालतू चीजें हटा देती हूँ। वाह, विश्वास नहीं होता ये काम किया। हाँ, अब मैं तैयार हूँ। हिलना मत, पहले तुम्हारे थोड़े बाल लेंगे, अब ये मशीन इस पर चलाएंगे। ये साथ साथ तुम्हारे बालों की ब्रेड बना रही है।
बढ़िया चीज है ना, मैं हमेशा से ये करना चाहता था। हेयर स्टाइलिस्ट बनना मेरा सपना है। जब बालू की ब्रेड बन जाए तो हम यहाँ क्लिप लगा देंगे। जी हो गया, ये कितनी सुंदर लग रही है। अब बाकी के बालों पर करते हैं, तुम्हें कैसा लगा? वाओ, बहुत पसंद आया, मुझे यही तो चाहिए था। मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। बिल्कुल अपनी डॉल की तरह। हाँ बिल्कुल, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं इमोशनल नहीं होऊंगा। समझ गया, मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे भरोसा है। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं डैडी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे खुद को भी लग रहा है, मैंने कभी नहीं उतारूंगा। क्या मॉम को आपकी ये नई लुक पसंद आएगी? उम्मीद तो है। अब तुम्हारी बारी ओलिविया, ये कब रुकेगा? पॉपकॉर्न आया। यम्मी। हाँ, ये क्या है? हाय बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आई। थैंक्स। ये बहुत टेस्टी है। पक्का? मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। क्या ये ब्रोकली है? यह बदबू आ रही है। मायूस, ये स्वादिष्ट है, लो खा कर देखो। इसे मुझसे दूर रखो। सीधे खड़े रहो। दूर रहो। वाह, वो ये क्या कर रहा है? ओ, बच गया। चलो ना, ट्राई तो करो। मैं नहीं करना चाहता। अब मैं क्या करूं? ओ, मैं समझ गई। इस गेम से मुझे एक आइडिया आया, मैं अभी आती हूँ। मुझे एक बड़ी प्लेट चाहिए। मेरे पास ऐसे छोटे बोल हैं, इन्हें प्लेट के कोनों पर लगाएंगे और पहले बोल में कॉर्न डालेंगे और बाकियों में भी हेल्दी स्नैक्स और कैंडीज डालेंगे। यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ है, बहुत मजा आएगा। तुम्हें बस इस आरो को घुमाना है। ये तैयार है। हे बच्चो, एक गेम खेलना चाहोगे? ये मजेदार लग रही है। क्या लगता है, तुम लकी हो? तो चलो पता लगाओ। चलो खेलते हैं, मैं पहले करूंगी। अरे वाह, कैरेट। मुझे गेम पसंद आई। क्रंची। अगला मैं हूँ, उम्मीद है मेरे पास कैंडी आए। ओह, ये चलेगा। शुक्र है कोई गंदी सब्जी नहीं आई। बहुत अच्छा है। हाँ तो मैं देखती हूँ। ओह क्यूकम्बर, तो मैं भी खा लेती हूँ। कितनी अच्छी गेम है, सच में अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ तो अगला कौन है? गुड मॉर्निंग संजय, तुम कहाँ हो? सो चलो छोड़ो, अपना सीरियल खाओ। अब क्या करें, तुम ये मेरे साथ भी शेयर करोगी ना? और तुम सबसे अच्छी हो। ये रहा तुम्हारा दूध मायूस। क्या दूध? काऊ के सामने नहीं मॉम। उन्हें भी दूध पसंद है, देखो वो ये पी रही है, कितना टेस्टी है। काऊ को तो जितना पिला लो उतना कम है। मॉम शर्मिंदा मत करो, मुझे लगा मजा आएगा। खैर छोड़ो। वो, तुम दोनों को बहुत भूख लगी है। मैं उसे किसी तरीके से तो दूध पिलाऊं। ऐसा लग रहा है वो मुझे ही घूर रही है। जरा रुको, लगता है मैं समझ गई। और ये सिर्फ काउस की वजह से हो पाया, ये जरूर काम करेगा। मुझे एक वाइट रबर ग्लव चाहिए और एक दूध का ग्लास। इस ग्लास के ऊपर इस तरह ग्लव लगा देंगे, इसे एकदम कस कर लगाना है, बस ये गिरना नहीं चाहिए। अब हम ग्लास को उल्टा कर देंगे और दूध इस ग्लव में आ जाएगा। अब मुझे एक ब्लैक पेन चाहिए, ग्लव पर इस तरह ब्लॉचेस बनाएंगे एकदम आराम से कि ये फट ना जाए। ये गाय की तरह दिखना चाहिए, इसे पूरे ग्लव पर बना देंगे। ये बस आखिरी है, लो बढ़िया लग रहा है। अब इसे ऊपर की तरफ से घुमाएंगे ताकि ये सील हो जाए। मुझे सीरियल मिल सकता है, मेरा फेवरेट। मॉम ये क्या है? ये एक अडर है और इसमें स्वादिष्ट दूध है। सच में? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। देखो ये कितना ताजा है और यमी। तुम ट्राई क्यों नहीं करते? बिल्कुल, जरा मुझे दो। मैं जानती थी तुम यही कहोगे। अपना मुंह खोलो, मुझे निशाने पर काम करना होगा। हेलो मत, बस लग ही गया, ये मजेदार है। ओप्स, तुम्हारी आँख पर गिर गया। हाँ हाँ मॉम, पिलाते जाओ, ये बढ़िया है। लगता है तुम्हारे कपड़ों पर भी थोड़ा ज्यादा गिर गया। थोड़ा? मुझे नहाना पड़ेगा। तुम तो मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी ना? मैं बोर हो रही हूँ। तुमने खाना देखा? ये लो गर्ल्स, अब अच्छे से रहना। तो अब क्या करें?
पता है ना हम यहाँ हैं? हे, वो मुझे चाहिए, मुझे दो। ओह, सुंदर है। ठीक है, ले लो। तुम्हारी गलती है मम्मी, एली ने गलत किया। नहीं, मिकी ने गलत किया। तुम्हारी पैसिफायर्स कहाँ है? हाँ, मुझे इन्हें साफ करना होगा, मैं इनके बिना क्या करती। ये लो गोल्स। और एक तुम्हारा मिकी। मिल गए, यही हो जा रहा है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? ये क्या है? मैं जानती हूँ ये कैसे नहीं गिरेंगी। पैसिफायर से बलून रिबन को बांध दे। वाव, अब तो बहुत तेज है। और बस नॉट को कसकर बांधना है। ओह, वाव, ये बेहतर है। ये पार्टी कितनी मजेदार है। ये लो। मुझे बलून पसंद है। हैप्पी बर्थडे गर्ल्स। वो केक तो देखो। अरे नहीं, और वो रहे पैसिफायर्स, पर कोई बात नहीं। वो तो उड़ गए। चलो केक खाएं, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। मैं कितनी लकी हूँ। ओह, मेरा पैसिफायर। ये बहुत स्वाद है। फिर मेरे पास आज के लिए बहुत सारा काम है। तरा तरा, मैं सबसे अच्छी हूँ। तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, बलून कैच करो। हाँ? ओ अच्छा, ठीक है, तो ये लो। हाँ, इसमें क्या मजा। अब मेरे बलून को गुस्सा आ गया है, बिल्कुल मेरी तरह। उसे चेहरा चाहिए, गुस्से वाला चेहरा, क्योंकि अब वो एक गुस्से वाला बलून है, जैसे डैड है। डैड, देखो ये बलून आपके जैसा दिखता है। हाँ, तुम बहुत तेज हो, बहुत अच्छे। अब मैं थक गई, क्योंकि मैं बहुत फास्ट हूँ। डैड डैड डैड, मेरा बलून आपके जैसा है। लिजी, अब बहुत मतलब है, बहुत हुआ। ये लो गुस्से वाले बलून और गुस्से वाले डैड। ओ, हाँ, ये बलून तो काफी दूर तक उड़ा। नहीं, मेरा गुस्से वाला बलून। अब ये कैसा मजाक है। ठीक है, तो मुझे अब कुछ करना ही होगा। ये रहा एक होली बलून और एक क्लियर इंटैक्ट बलून। ये देखो, मैंने क्लियर बलून को होली बलून के अंदर डाल दिया। अब मुझे एक फनल चाहिए, क्योंकि मैं इसमें ग्लिटर डालूंगा। ये गोल्ड स्टार्स काम आएंगे, मैंने बलून में डाल देता हूँ। अब थोड़ा लिक्विड चाहिए, सोडा काम आएगा। ये देखो, ठीक है, इतना काफी है। चलो मैं इसे ट्राई करता हूँ। हाँ, जैसा सोचा था ये वैसा ही हुआ। मुझे उसकी याद आ रही है। ओह, एक नया टॉय, मजेदार है, कितना स्पार्कली है। ये, थैंक यू डैडी, मुझे पसंद आया। फिर शुक्र है, थोड़ी देर के लिए अब उसका ध्यान वहीं रहेगा। डैड डैड, देखो मैं इसे कितनी जोर से स्क्वीज कर रही हूँ। मेरी जिंदगी क्या हो गई है, काम ही कर लेता हूँ। मुझे हेयर कट की जरूरत है। मॉम, मैं बोर हो रहा हूँ। वाओ, कैंडी। ये तो खाली है, मुझे मस्ती करनी है। वाह, मैं अपने जीभ ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो। ये अच्छा नहीं लग रहा। ओह, ये क्या है? ये तो दिलचस्प है। वाओ, इसके अंदर क्या होगा? वाओ, जरा इसे देखो, मैं इसे लगा लेता हूँ। इसे यहाँ लगा देंगे। ये तो कमाल है, जैसे टैटूज हो। मैं कितना कूल लग रहा हूँ। वो कहाँ चला गया? लियाम। ओह, आ रहा हूँ मम्मी। आपको कैसा लगा? ये तुमने क्या किया? तुम ऐसे नहीं जा सकते, हमें ये बैंडेज हटानी होंगी। आउची, नहीं, दर्द हो रहा है। वापस आओ, इतना टाइम नहीं है। पीछे रहो। अरे, मैं कैसे भागू? लियाम, इधर आओ, अभी के अभी। नहीं, ये मत करो। बैठ जाओ, अपनी बाजू दो।
शायद मैं जानती हूँ इसका क्या करना है। और दर्द भी नहीं होगा। मैं वैसलीन में कॉटन स्वाब डुबोंगी और फिर बैंडेड पर लगाऊंगी और अब इसे निकाल देंगे। लो, इतना भी बुरा नहीं था, है ना? हाँ? ये कहाँ चली गई? अब बाकियों की बारी। अब तुम हैंडसम लग रहे हो। हाँ चलो चली। एक तो रह गई। ये हमारा सीक्रेट है। आसपास कोई नहीं है तो मैं अपना सीक्रेट स्नैक खा सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है। हे, स्निकर्स, मुझे भी मिल सकते हैं? नहीं, इन ब्रेसेस के साथ तुम ये नहीं खा सकती। हाँ ठीक है, बस अपने दांतों का ख्याल रखना। क्या वो गर्ल? ठीक है, डिकॉय कैंडी काम की। अब ये है ना असली चॉकलेट क्रीम। मॉम, आपके पास और कैंडी है? वो तो कैंडी चोर है। लो, ये भी ले लो। वो मुझे यहाँ तो बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएगी। मॉम, कैंडी, रुको, भागना बंद करो। चलो भी, मुझे भी अपनी कैंडी दो। मॉम, ठीक है, लगता है मैंने उसे छुटकारा पा लिया। हे भगवान, ये बहुत चालाक है और तेज भी। फिर आखिरकार जान छूटी। ये कैसा मजाक है? हाँ, ओ, ये बस एक सपना था, बहुत ही भयानक सपना। अगर वो सच में यही कहीं छिपी होगी तो? ऐसा मत सोचो, वो सो रही है। मैं जरा अपना मिडनाइट स्नैक खा लूं। ओह रोमेन, मैं एक लीफ भी ले लेती हूँ। थोड़ा चालाकी से काम करना होगा। लो, अब उसे कैंडी नजर भी नहीं आएगी। ओ, तुम्हें भूख लगी है? ये लो। लेटस? एव, मुझे ये नहीं चाहिए। ये काम किया, अब मैं आखिरकार अपनी चॉकलेट खा सकती हूँ। मुझे इसका हक है। आज मेरा बर्थडे है। वाओ, क्या ये मेरे लिए है? मेरी प्यारी बच्ची के लिए सबसे अच्छी चीज। देखो कितना सॉफ्ट और कडली है। हैप्पी बर्थडे हनी। थैंक्स डैडी। मेरे पास कुछ और भी है, ले आओ। देखो, एक स्वादिष्ट केक तुम्हारे लिए। ओह, मुझे केक्स पसंद हैं। किसे नहीं होते, पर सिर्फ यही नहीं। तोहफे? अभी ये पूरा नहीं हुआ, मेन प्रेजेंट के लिए तैयार हो? ये बहुत अच्छा है, आ जाओ। वाओ, मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा है। ये क्या है डैड? हाय, रूम रूम। ये तुम्हारा खुद का ड्राइवर है, तो चलो पार्टी नंबर टू। पता नहीं मॉम ने क्या प्लान किया होगा। हाय मॉमी। हैप्पी बर्थडे हनी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैंने खुद रैप किया है। मेरी दूसरी सॉक। थैंक्स मॉम। मेरे पास ये दो है। और तुम्हारा केक। आप भी खा लो मॉमी। थैंक्स स्वीटी, तुम बहुत अच्छी हो। और आज स्टॉक मार्केट काफी ऊंचे गए और फिर नीचे आ गए। वाह, न्यूज़ तो बहुत बोरिंग हो गई है। ठीक है, मैं चैनल बदल देती हूँ। हाँ, अगले शॉपिंग आइटम की बारी। ये है हमारी कस्टम क्लासिक टॉय कार, कमाल की है। सप्लाईज लिमिटेड है तो अभी ऑर्डर करें, आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। ये सिर्फ टॉय कार ही नहीं है, ओ नहीं, ये एक रिमोट कंट्रोल कार है। इसका रिमोट पॉकेट साइज का है, लेकर जाने में बहुत आसान। वाओ, इतने कम दाम में इतनी अच्छी चीज, ये है सिर्फ $100 में। और अभी ऑर्डर करें। मॉम प्लीज, मैं ये ले लूं। प्लीज 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 मॉम। हे भगवान, ये बहुत महंगी है, पर जेरेड को ये सच में चाहिए। मैं देखती हूँ मेरे पास कितने पैसे हैं। हे भगवान। मॉम, आपके पास और पैसे नहीं है? ठीक है, अब मुझे कार नहीं चाहिए। हे भगवान, वो कितना प्यारा बच्चा है, वो ऐसा दिखा रहा है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पता है वो उदास है। एक सेकंड को, ये तो मेरी बनाई हुई कुकीज खा रहा है। इससे मुझे एक आइडिया आया। हाँ, मैं वहाँ जाकर ड्रॉअर देखती हूँ। हाँ, ये रहा, मैं जानती थी ये यही होगा। जेरेड हनी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अगर ये रिमोट कंट्रोल कार नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। ये वो नहीं है, पर इससे तुम्हारी कार आ सकती है। ये रहा कॉइन, और मैं तुम्हारे दोस्त को दे देती हूँ। कितना प्यारा है ना, ये तुम्हारी पैसे सेव करने में मदद करेगा। वाओ, उसने कॉइन खा लिया, मैं भी उसे कॉइन खिलाऊंगा। अब हमें उसे पैसे देते रहना होगा।
अगर ज्यादा दिए तो फिर हम कार खरीद पाएंगे। ये लो एक और कॉइन। बॉय, लगता है वो भर गया। हाँ बिल्कुल, देखते हैं उसके अंदर कितने पैसे हैं। ठीक है, ये रही सारे पैसे मॉम। ओह, काफी ज्यादा है और ये काफी होंगे और इतने में आ जाएगा। मैं अभी आती हूँ। देखो मेरे पास क्या है। ता-दा! एक बिल्कुल नई रिमोट कंट्रोल कार सिर्फ तुम्हारे लिए। वू, मेरी कार, मुझे कार मिल गई। थैंक्स मॉम और थैंक्स कॉइन बैंक बडी। ओह हनी, तुमने बहुत अच्छे से पैसे बचाए। आज का दिन सबसे ज्यादा बोरिंग है। अब क्या, ये सुंदर है लेकिन। ओह मॉमी, मैं आपको बताना चाहता था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तुम कितने प्यारे बच्चे हो। हाँ तो चलो। वुहू, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, ये खराब हो गए। मॉम, मेरे पास आपके लिए कुछ है क्योंकि आप मेरे लिए बहुत जरूरी हो। अरे वाह, ये आपके हैं। मुझे आपकी परवाह है। फिर बैठे। ये क्या बकवास है। खैर रुको, मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। ओह हाँ, पुराना पेपर कंटेनर है, इसे उल्टा करें और इसके ऊपर एक वाइन ग्लास रखें। ये भी उल्टा। अब इसके कोनों पर फ्लावर्स रखें। जो कलर आपको चाहिए यहाँ आप रख सकते हैं। बाकी की जगह पर लिक्विड ब्रेसिन डालें, इसे ऊपर तक भर दें। कोई बात नहीं, फ्लावर्स को कवर कर सकते हैं। अब इसे हार्ड होने देंगे। अब ग्लास को हटा दें और ये आ गया एक सुंदर सा ब्रेसलेट। ये लाखों में से एक है, आप ये बहुत सारे बना सकते हैं। मॉम, आपको स्नेक्स पसंद है? ये असली नहीं है, रिलैक्स। तुम बहुत सुंदर हो डॉली। ये भी तुम्हारी डैडी स्पोर्ट। तुम्हें निकलने से पहले टॉयलेट तो नहीं जाना ना? नहीं, चलो चलिए। हाँ हाँ, रुक जाओ। वी, कितना मजेदार है। क्या जगह है, ज्यादा दूर मत जाना हनी। ओ, ये तो सुंदर है, मुझे ये चाहिए। मिल गया। ओ, खुशबू अच्छी है। मुझे सुसु करना है। डैडी, डैडी, एक इमरजेंसी है। मैं जानता था। ठीक है, चलो मेरे साथ। जल्दी। यहाँ पर झाड़ियाँ है ना? हाँ, ये जगह ठीक है, तुम यहाँ आराम से कर सकती हो। बिल्कुल नहीं। ठीक है, मुझे सोचने दो। मैं समझ गया, मेरे साथ आओ। वो कहाँ है? डैडी! ये लो। ये मजाक है ना? नहीं! अरे सोचो यार, बहुत सीरियस बात है। ये काम आएगा। मैं समझ गया, जरा रुको। इस बकेट को ट्रंक में रख देंगे और इसका ढक्कन टॉयलेट सीट की तरह काम करेगा। तुम्हारा थ्रोन तैयार है। अरे शुक्र है। प्राइवेसी के लिए मैं यहाँ ब्लैंकेट लगा देता हूँ। डार्ट बनकर क्या क्या करना पड़ता है। हे, जल्दी कर लो। मुझे बीच पर समय बिताना बहुत पसंद है। वो एक सैंड कैसल बना रही है, कितना प्यारा है। अभी आखिरी रॉक्स बची है। ये हो गया, मैं इसमें माहिर हूँ। ओह, ये नहीं मेरी लॉलीपॉप। ओह नहीं, इस पर तो मिट्टी लग गई। खैर नहीं, यहीं रुक जाओ, तुम ये नहीं खा सकती। उसकी कैंडी को मिट्टी से बचाने का कोई तो तरीका होगा। ठीक है, ये रहा किंडर एग और लॉली। मैं इसे निकाल देती हूँ तो हमारे पास कंटेनर आ जाएगा। अब हमें चाकू चाहिए। बीच से सर्कल काटेंगे। हो गया। अब इसे ऊपर से खोलेंगे। अब एक लॉलीपॉप लेंगे और इसे इसमें डाल देंगे। लो, कितने अच्छे से फिट आ गया। हाँ ये लो, अब तुम इसे खा सकती हो। ये मैं इससे कैसल भी बना सकती हूँ। इसके अंदर तो लॉलीपॉप है। अब वो कम से कम मिट्टी तो नहीं खाएगी। बीच के लिए कितना अच्छा दिन है।
जाता है। मुझे दो यार्ड और एक प्लेन चाहिए। बाय। हाय डैडी। वाओ! बचाओ! मैं बचाता हूँ। पकड़ लिया। बाल बाल बची। तुम ठीक तो हो? मुझे तो लगा था मैं गई। ये क्या बात हुई कि वो सर्जरी कर रहे हैं? मुझे अभी के अभी डॉक्टर चाहिए। मेरी बच्ची के साथ अभी इतना बुरा हुआ है, मुझे अभी मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। जिंदगी की कीमत पता चलती है। आपने हमें बुलाया? अरे वाह, क्या सर्विस है। मेरी प्यारी बच्ची की मदद करो। मैं ये देख लेती हूँ। मुझे बेहतर महसूस होगा? चलो तुम आराम से लेट जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। हम बस इंतजार कर सकते हैं। वो ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे डर लग रहा है। लाइट से दूर रहो हनी, समझी? ठीक है डैडी। निटिंग करना बहुत आराम देता है। मामी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सब ठीक होगा, जरा मुझे दिखाओ। अरे नहीं, हमें इसका कुछ करना होगा। ये ठंडा वेजिटेबल का बैग लगाने से तुम्हें अच्छा लगेगा। आराम से लेट जाओ, थोड़ा ठंडा लगेगा पर फिर बेहतर होगा। हमें इंतजार करना है, तब तक मैं ये पूरा कर लेती हूँ। ये देखने में आसान है पर करने में नहीं। ठीक है, अब अपनी चोट दिखाओ। ये बिल्कुल ठीक हो गया, काम बन गया। अब हम इन वेजीज का डिनर बना लेंगे। तुम्हें भूख लगी है ना? खीरा तो बहुत ताजा है, मैं सैलेड के लिए काट लेता हूँ। हाय डैड। डैड, डैड। क्या हो गया लिजी हनी? मैं बोर हो रही हूँ। आप मेरे मॉन्स्टर फ्रेंड के साथ खेलोगे? हनी, मैं सैलेड बना रहा हूँ, खेल नहीं सकता। डैड, डैड, आप पिक्चर तो बना सकते हो, ये देखो पेपर। लिजी, मैं सैलेड के लिए सब्जियाँ काट रहा हूँ, मैं बिजी हूँ। डैड, डैड, ये मैंने आपकी पिक्चर बनाई, देखो। हनी, बहुत अच्छी पिक्चर है पर डैडी अभी बहुत बिजी है। डैडी बहुत मतलबी है, अब उन्हें पता चलेगा। डैड बहुत बुरी है। ने 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 ने। मुझे सैलेड बनाने दो। नहीं, मैंने टमेटोज ले लिए। हनी चलो भी, मुझे वो चाहिए। हनी रुको। नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते, मैं बहुत तेज हूँ। ये मुझे दो। हनी मैं खेल नहीं रहा। अगर तुम चाहती हो मैं कुछ करूँ तो तुम ये हेल्दी स्नैक खाओ। ठीक है खाती हूँ, पर मुझे पील नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल है, बता नहीं पा रही, मुझे मदद चाहिए। ओ, एक नाइफ रखो। अगर ये बड़ा नहीं हुआ तो? हे, यहाँ तो और बड़ा है। नहीं, ज्यादा नहीं है। मुझे वही तो चाहिए, वो तो जायंट है। मुझे वो एक्स चाहिए, मुझे दो, आ जाओ एक्स। नहीं रुको, यही रुक जाओ। हनी, तुम्हें एक्स नहीं चाहिए, वो कुछ ज्यादा ही है। देखो मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। ये रहा एक और एप्पल। हैंडल को पीलर की तरफ करेंगे और अब ये पील होता जाएगा। अब इस पूरे को घुमा कर छीन लेंगे। ये देखो, बढ़िया लग रहा है, मैं एक बाइट लेता हूँ। वाह, मुझे एप्पल पीलर चाहिए। ठीक है, ये लो, जैसे चाहो वैसे इसे पील करो। ये, मैं इसे घुमाती हूँ, देखो देखो, इससे ये पील हो रहा है। इसका छिलका उतर गया, शुक्रिया डैड। योर वेलकम। चलो पूरा का पूरा खा लो, तुम्हें सैलेड भी चाहिए? हाँ हाँ। ब्रो, वो शो जबरदस्त था, पर क्या उनके पास ऐसे टैटूज थे? क्या? वाह, वाह, मुझे भी ऐसा एक चाहिए। डेविड एकदम से बहुत अच्छा लगने लगा। हाय, मैं इसे छूकर देखूं। ओह, ओह, आओ, दर्द हुआ? ना, वैसे तो नहीं। बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? हमने अभी शुरू नहीं किया। वूप्स, तैयार हो? हाँ शायद। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, तुम तो बहुत बहादुर हो। काश मेरा भी एक कूल सा टैटू होता, पर हम बना सकते हैं, है ना? ये देखो, ये बस फालतू की इंक है, मेरे जैसा नहीं। ओह, अब क्या करूं? मैं भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ। ये देखो, हाँ मैं इसे बहुत तेज घुमा सकती हूँ। वो ये काम नहीं करेगा। मैं डेविड का ध्यान अपनी तरफ कैसे लाऊं?
हाँ मैं जानती हूँ। हे, ये मेरे तरीके की आउटफिट है ना? हाँ मतलब मैं समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड रुको, शायद मैं जानती हूँ क्या करना है। एक पेपर क्लिप लें और इस तरह इसका एंड हटाएं। अब आपको ऐसे बहुत सारे पीसेस मिलेंगे, हमें ऐसे चार ही चाहिए। वो ये पियर्सिंग्स तो कमाल की है, और तुम्हारे पास बहुत सारी है। मेरे पास तो सिर्फ ये एक टैटू है। बाहर चलोगी? ओ, मैं नहीं जाना चाहती। ये हुई ना बात। आलस में गाड़ी साफ करना, आज गर्मी है। ओ, हेलो, मैं पेट अंदर कर लेता हूँ। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, जरा उसे देखो और मेरी हेयर क्लिप देखो। हे लेडीज, ये कितना फनी है, है ना? क्लास से? वो मेरे साथ हंस रही है। नहीं, ओ नहीं, हर बार की तरह। खैर, मैं काम ही कर लेता हूँ, इसे साफ करना होगा। चमक रही है, मैंने अच्छा काम किया। ये हुई ना बात। मैं स्कूल के लिए तैयार हूँ डैडी। चलो बैठो हनी। हाँ चलो चले डैडी। मैं म्यूजिक लगा देता हूँ। मुझे ये गाना पसंद है। ले ले ले, ले ले, ले ले ले। अरे नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? Oops, sorry. मैंने अभी ये साफ की थी। पर मैं थोड़ा सा तो डांस कर सकती हूँ। मैंने अभी क्या कहा? कोई बात नहीं, गहरी सांस लो, योगा क्लास की बात याद करो। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। इस टी शर्ट से सब ठीक हो जाएगा। मैं इसे हेडरेस्ट पर लगा देता हूँ और पूरे सीट पर नीचे तक खींच देंगे। अब तुम डांस कर सकती हो हनी। थैंक्स डैडी। चलो चले। शो के लिए तैयार हो? हेलो मिकी। हाय डॉली। ओ नहीं, एक डायनासोर। वाह, ये तो इंटेंस है। हाँ मम्मी, मैंने कुछ स्टिंकी किया। यहाँ तक बदबू आ रही है। ओह, बहुत बुरा है। उप्स। हमें तुम्हें बॉडी क्लीन करना होगा। बड़े बच्चे ऐसे ही करते हैं। देखो। वाह, प्रेशर। और फिर तुम इस तरह करोगी। ये बहुत आसान है, ट्राई करो। अभी ठीक है, करते हैं। मेरे हाथ को देखो। ओ, मुझे पता होना चाहिए था। नहीं, तुम्हें इसके ऊपर बैठना है। मिकी रुको। गिर आप। बहुत अजीब है। इस तरह। यह फूट जाएगा, इसे खाओ मत। आप बुरी हो। नहीं रो मत। क्या बकवास है, मुझे अपने डायपर्स पसंद है। जरा रुको, ये मुझे दो। मैं इस डायपर को पॉटी पर लगा देती हूँ और तुम इस डायपर में पूप कर सकती हो। ओह, ये सही रहेगा। चलो, ये काम कर रहा है। टच मत करो। वो, मैंने कर दिया। मेरी प्यारी बच्ची, बहुत अच्छा किया। कुछ ज्यादा ही है, इसे कचरे में डाल देते हैं। थोड़ी जल्दी। मैंने कर लिया मॉमी। हाँ बिल्कुल। ओह मिकी, मुझे दोबारा जाना होगा। कोई बात नहीं। शर्म आ रही है, कभी इतनी नहीं आई। मैं सैंड कैसल्स बनाने में माहिर हूँ, सबसे अच्छी। डैडी, मुझे भूख लगी है। ओह बिल्कुल, ये लो, थोड़ा ये लो। ये, थैंक्स डैडी। हर जगह मिट्टी है, इसे ब्लैंकेट से हटाना होगा। बहुत सारी है, आती जा रही है। हाँ बहुत हुआ, मैं अपना पॉडकास्ट सुन लेता हूँ। हाँ
लिजी रुको। हे भगवान, उसके अलग अलग मूड्स होते हैं। रुको, क्या सच में मेरे ड्रिंक में भी मिट्टी है? अरे नहीं, मिट्टी वापस आ गई और ये अब हर जगह है। बीच की ये सबसे बकवास चीज है, मिट्टी हर जगह आ जाती है, जितना मर्जी ध्यान दे लो। ठीक है, अब मैंने इसे झाड़ दिया है। अब मैं इसके कोनों पर इन बैग्स को रख देता हूँ और यहाँ पर ये पानी का टब। तो चलो। ओ, रुक जाओ लिजी, शीट पर जाने से पहले तुम्हें अपने शूज उतारने होंगे। अब इस पानी के टब में अपने पैर साफ करो। लो, और अब मेरी बारी है। साफ हो गया, अब मैं शीट पर पैर रखूंगा। लो, ये बेहतर है, एकदम साफ हो गए। कहना पड़ेगा ये मेरे बढ़िया आइडियाज में से एक है। मुझे बीमार होना नहीं पसंद। ओ, मेरी बेचारी बच्ची, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। लो, थोड़ी सी दवाई ले लो, ज्यादा नहीं, इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। नहीं, ये गंदी है। तुम ऐसे तो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाओगी। दवाई लेते हुए ये बहुत जिद्दी हो जाती है। ओ नहीं, ये फर्श पर सोडा का कैन किसने फेंका? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बस ये सोडा और ग्लास चाहिए। जी हाँ, अब हम इस सोडा को ग्लास में डालेंगे। देखते ही प्यास लग गई। ठीक है, अब अगला हमें फनल चाहिए। इस सोडा कैन में ये दवाई डालेंगे। हो गया, अब स्ट्रॉ की बारी। ये लो हनी, इससे तुम काफी बेहतर महसूस करोगी। ये सोडा, यमी यमी। थैंक्स मॉम, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब बस तुम्हें अच्छा महसूस होगा। ओह, तुम कितनी प्यारी हो। थैंक्स। रुको, तुम बेबी को कह रही हो? तो चिकू, जरा रुको, मैसेज आया है। अरे सेल, थैंक यू, मुझे चलना होगा। ये लो। पर ये क्या हो रहा है? मम्मी जरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगी। मजे करो। तो बस हम ही बचे हैं। ओह, तुम्हारी आंखें मेरी तरह हैं। आप मजेदार हो। ला ला ला। मजा आ गया। मैंने शायद कुछ ज्यादा कर दिया। आओ, मैं इसे दूध पिला दूं, ये चलेगा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बढ़िया, अब मैं क्या करूं? जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे सिजर चाहिए। टॉप में कट करेंगे और इसमें से बॉटल निकालेंगे। चलो दोबारा ट्राई करें। ये दूध अच्छा है। क्या दिन था। तुम लोग कितने प्यारे हो। तुम उसे उठा दोगी? लो, और पैसे खर्च कराओ। हो, तुम सबसे अच्छे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जरा इसे देखो। रात हो भी गई। चलो अब सो जाओ, एकदम आराम से। बहुत अच्छे। स्वीट ड्रीम्स। मैं सोना नहीं चाहती ही, मैं तो गेम्स खेलूंगी। शांति मिली, कोई फिल्म आ रही होगी। मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। रिमोट काम नहीं कर रहा, इसमें बैटरीज नहीं है। अजीब बात है। ये मजेदार है, सोने से तो काफी बेहतर। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ ठीक नहीं है। एकदम आराम से, आराम से। मैंने तुम्हें कहा था ना, सो जाओ। ये क्या है? वो तो डर गई। उसने ऐसा क्यों किया? एक मिनट रुको, कितना फनी था। चलो सो जाओ, ये गेम मुझे दो, मैं बैटरीज ले रही हूँ। अब तुम्हें सोना चाहिए, कुछ बकवास नहीं। मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब मैं टीवी देख सकती हूँ, देखते हैं क्या आ रहा है। ओह, ये तो अच्छा है, बहुत टेंस है।
करूं? मैं तो इसे देखने से रुक ही नहीं पा रही। ओह नहीं। हाँ, ये क्या है? बस गुब्बारा ही है। रुको, पर ये आया कहाँ से? ये बहुत डरावना है। एक और बकवास सा प्रैंक। देखा, पकड़ लिया। तुम मुझे डरा देती हो। पता नहीं मैंने आपको दोबारा कैसे डरा दिया। इधर आओ, चलो कुछ अच्छा देखते हैं। कुछ ऐसा जो डरावना ना हो। अच्छे से सो जाओ हनी, काश तुम यूनिकॉर्न्स और पैसों के सपने आए। ठीक है, तो अब सो जाओ। गुड नाइट डैडी। मैं बस जल्दी से गेम खेल लेती हूँ। हाँ, ये आवाज कैसी है? उप्स। एक मिनट रुको, ये फोन मुझे दो। नाइट। और बाकी भी। ठीक है, मुझे लगा आपने ध्यान नहीं दिया। मैं भी तुम्हारी उम्र में ऐसा करता था, मुझे सब ट्रिक्स पता है। ये तो गलत बात है। इससे क्या होता है? मैं आ चुकी हूँ, जो आप कहेंगी मैं वही करूँगी। यहाँ आने की परेशानी उठाने के लिए ये लो पैसे। आपके साथ काम कर अच्छा लगा। तुम ठीक हो हनी? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब बताता हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। मैं जा रहा हूँ। बहुत तेज लगा होगा। ऐसा ही होना चाहिए था। और फिर हैंडसम प्रिंस ने प्रिंसेस को बचा लिया। उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहे। मुझे थोड़ी मदद मिल सकती है? पकड़ो। अब तुम पकड़ो। ओह, बहुत मेहनत का काम है, मैं थक गई हूँ। ओह, पर मेरे बच्चे को तो देखो। ओह, कुछ याद आया, मैं उसे थोड़ा पानी दे देती हूँ ताकि वो सूख ना जाए। उसे पानी देते रहना चाहिए। ओह, ये लामा खराब गई। मेरे कैक्टस के लिए इतना पानी बहुत है। ओह, अब बाहर सफाई कर लेती हूँ। मॉम दूसरे रूम में चली गई। ठीक है, तो चंद्रा बेटा किसे लड़ेगा? भैया पकड़ो। ये क्या था? लगता है कुछ गिरा। मेरा बच्चा। उप्स, ओ नहीं, मैंने प्लांट गिरा दिया। कोई बात नहीं मॉम, मैं ठीक करता हूँ। रुको जेरिन। नहीं, मैं वो ठीक कर दूंगा। नहीं जेरिन। उप्स, मुझे लग गई। ओ नहीं, मेरी फिंगर, मेरी फिंगर में ये चला गया। मॉम, हे भगवान, मुझे कुछ करना होगा। मैं क्या करूँ? रुको, वैक्यूम। ये काम आएगा, इससे उसकी उंगली से कैक्टस पाइन निकल जाएगी। ओह हाँ, जेरिड, हनी रोना बंद करो, मैं मदद करती हूँ। ऐसे ही रहो। ओह जेरिड हनी, अब रोना बंद करो, सब ठीक है। हाँ, हो गया, अब दर्द नहीं हो रहा। थैंक्स मॉम, आप सबसे अच्छी हैं। बहुत बात हो। पर मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो हनी। काम खत्म ही नहीं होता। चलो कर दिखाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक होम रन हो जाए। चलो मॉम। वुहू, बढ़िया। माफ करना, अब बोलो, बहुत शोर है। मॉम, मैं गेम देख रही हूँ। बहुत गुस्सा दिला रही है। आप ये कर क्या रही हो? मैं बिजी हूँ। तुम्हें इसे संभालना होगा। और ये रही बॉटल्स, ये कैसा मजाक है? मैं आ रही हूँ। मॉम, वापस आओ। थैंक्स मॉम। कैसी हो? तो हम अकेले हैं? तुम बहुत क्यूट हो। और तुम भी क्यूट हो। हाँ, मैं जानता हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ है? इसमें कुछ मजा नहीं है। अब मैं क्या करूँ? ला 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 ला। रोना बंद करो प्लीज। हाँ सच में बंद करो। ओह नहीं, पकड़ लिया। ओह, वो आइडिया अच्छा नहीं है। इतना भी बुरा नहीं है, तुम दूध पियोगे? ओह यम्मी, लाओ दो। जितना सोचा था उससे बहुत मुश्किल है। बस थोड़ा सा पास लाओ यहाँ पर। मैं कोशिश कर तो रही हूँ। रुको, मुझे वही चाहिए। जरा रुको,
मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। चलो ये अच्छा लग रहा है। हाँ ये रही मेरी हैट और ये रहा दूध। तो चलो शुरू करें। पीलो, बहुत आसान है, बस ये जल्दी सो जाए, मुझे भी आराम करना है। अच्छे अच्छे सपने देखेंगे। ओह जरा इन्हें देखो, तुमने बहुत अच्छा काम किया और ये तुम दोबारा भी कर सकती हो। या एनी, एनी, हे, मैं चाहता हूँ कि तुम ये लगाओ अभी। नहीं। हाँ मेरी बात नहीं सुनोगी? ये क्या बकवास है, इतना ऊंचा नहीं पहुँच पा रही। ठीक है ये बेहतर है। हे देख नहीं रहा। वो अरे यार ये तो हर जगह है, नहीं हो पाएगा। रुको मेरे पास एक शानदार आइडिया है। ये कॉटन रिंग देख रहे हो, ये काफी तरीकों से इस्तेमाल हो सकती है। पहले इसका कलर बदलेंगे, मुझे गोल्ड पसंद है। अच्छे से कोटिंग करेंगे, जब ये सूख जाए तो इसमें से एक रिबन का पीस निकाले। ऐसे ही दोनों में से निकालकर रिबन को वापस मोड़ दे और पीसेस जोड़ते जाए। भरोसा रखो। देखो कितना कूल लग रहा है, और ये हमारी परफेक्ट ज्वेलरी बन सकती है। कॉटन चाहिए भी किसे, ये ज्यादा खूबसूरत है। क्या ये तुमने सोचा भी कैसे? ये लो इस तरफ का लग गया, बाकी का दो। तुम फैशनिस्टास भी ना। ये खाने का समय, खाना अच्छा होता है। बिल्कुल, ये रहे तुम्हारे बनानास और तुम्हारी ओटमील और जूस। ये लो और अब खाओ, नाश्ता जरूरी है। ये नाश्ता सबसे अच्छी चीज होती है। रुको ये क्या है, वो तो बहुत गड़बड़ कर रही है। ला ला ला, मैंने स्माइली फेस बनाया, कितना अच्छा है। ये क्या मजाक है। ठीक है मुझे ये सब साफ करना होगा। ठीक है हनी तुम्हें ये पहनना है, अब सब साफ हो चुका है, अब अपना नाश्ता करो। ठीक है मैं जरा पढ़ लूँ, ये आर्टिकल मुझे ही पढ़ना है। ये क्या हुआ लिजी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ भी नहीं किया डैडी। अब मुझे ये भी साफ करना होगा, इतना सब सहने के लिए मैंने आज सुबह कॉफी नहीं पी। बेहतर है। ओह नहीं मेरे टेबल पर कॉफी रिंग बन गई। एक सेकंड रुको, इससे मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया। ये रहा पेपर, मैं इस पर मग ड्रॉ करूँगा। अब इसके आसपास सर्कल बनाएंगे। ये देखो मैंने बढ़िया सर्कल्स बनाए, अब मुझे इस चम्मच को भी ट्रेस करना है। परफेक्ट, मुझे यही तो करना था, इससे काफी मदद होगी। ठीक है हनी ये रहा तुम्हारा प्लेस मैट, तुम्हारी सारी डिशेस के लिए इसमें जगह है। वाह थैंक्स डैड। ठीक है अब मैं इसे वापस इसकी जगह पर रख देती हूँ, मैंने कर दिया, मैं इसमें माहिर हूँ। यहाँ पर वापस जूस ग्लास रखना होगा। शानदार ये तो काम किया, अब वो कोई गड़बड़ नहीं कर रही। हाँ ये हुई ना बात। पिकनिक के लिए हमें फ्रूट्स चाहिए। ओह ये तुम हो। हाय मम्मी। ये एप्पल क्रंची है। गुड बॉय, तुम सारा खा लो, मैं तब तक बनाना धो देती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं यही बैठ जाता हूँ। ये अजीब सी चीज क्या है? है देखा वाओ। इससे मुझे याद आया कि मुझे फर्श साफ करना है। ये एप्पल कितना गंदा हो गया, तुम ये नहीं खाओगे। ये लो मम्मी। इससे मुझे एक आइडिया आया, बलून के अंदर हम ये फ्रूट डालेंगे, इससे बिल्कुल सेफ रहेगा और धूल नहीं लगेगी। वाह
आप बहुत स्मार्ट हो मॉम। हाँ चलो चलें। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पास ये मजेदार हाथ और गैजेट्स हैं, जिससे सब खुश रहेंगे। आपके पेरेंट्स ऐसी कौन सी मजेदार चीजें करते हैं हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।